तो बचपन अलग ही था क्या, वो सोच भी नहीं सकते आज कोई बन रहा। वो बचपन के सफेदी भी करना, गम पिसवाना, पानी भर के लाना, गायों को चराना और दुकान का भी काम करना, सनी चौक में मूर्तिजार में एक एक आने की पुड़िया बांध बांध के देते तो खूब बिकती। अभी सबसे जो बड़ा चैलेंज है जिसका मेरा टारगेट है भाई, मैं इसको कर सकता क्या। अभी हमारा सबका गल्ला एक ही है और एक ही खर्चा है, कोई कहीं जाओ किसी को किसी तरह से कोई मना है। अभी मैं सिर्फ फैमिली को प्रोफेशनलाइज करने में लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो नेम्ड डिक्स्टर व्यू। टुडे वी आर टॉकिंग टू वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द इंडस्ट्री, मिस्टर श्याम सुंदर अग्रवाल। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीकानेर वाला ग्रुप, बीकानो ब्रांड, अ वेरी पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया इन नमकीन एंड स्वीट्स बिजनेस। इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ा एक पूरा एक लेगेसी है इस नाम के पीछे, न सिर्फ बीकानेर के पीछे बट इनके इनके पूरे एक ब्रांड के पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी है। तो आज हम इसको FSNM न्यूज के अपने यूट्यूब चैनल पे आज डिस्कस करेंगे और श्याम सुंदर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। श्याम सुंदर जी, वेलकम टू द शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने हमें समय दिया आपके साथ जुड़ने के लिए। श्याम सुंदर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपका एक बहुत बड़ा पूरी जिंदगी, जैसे आपने जब भी बताया हमसे बात होती है, आप कहते हैं मैं बचपन से ही करछी और कढ़ाई में से जुड़ा रहा हूँ बचपन से ही, तो किस तरीके से आपके परिवार में ये बिजनेस आया और बीकानेर से यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा, थोड़ा आज आप हम लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा हमें आज लाइट डालिए प्लीज। थैंक यू विरोध भाई। देखो विरोध भाई, हम लोग बीकानेर से है, सबको पता है हम बीकानेर से है, हमारी पैदाइशी बीकानेर की है। हमारे फादर के 6 भाई थे, सब बीकानेर से थे और सब हमारे दादाजी के टाइम से बिजनेस है, दादाजी परदादाजी। जैसे पहले मिठाई के नाम से मिश्री पतासे वगैरह मिलते थे, तो वो पहले वो मिश्री पतासे वगैरह बनाते थे हमारे घर में, और धीरे धीरे वो मिठाई में कन्वर्ट हो गई। तो उस टाइम वो तो हम सुनते थे, वो हमने नहीं देखा है, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई, वो देखा है कि मिठाई से फिर घी की मिठाई, रसगुल्ले वगैरह कन्वर्ट हो गई, ये हमने देखा है। तो मैं तो अपने बात बता रहा हूँ, जैसे हम लोग बीकानेर में पढ़े हुए हैं, मैंने 10 क्लास बीकानेर से पास करी है। हमने पढ़ाई के साथ साथ भी हम बिजनेस से जुड़े हुए थे, पढ़ाई के साथ भी जैसे रात को हमारे मलाई निकलती थी दूध की, तो घर पे हम मलाई मंगा के उसका घी निकालते थे, मक्खन निकालते थे। पढ़ते पढ़ते गायों को भी चराते थे, हमें याद है हमारे राजस्थान बीकानेर के अंदर गायों को चराते थे, गायों का दूध निकालते थे। और मतलब घर के जैसे गेहूं गेहूं उस टाइम बचपन देखा है, गेहूं खुद पिसवा के लाते थे बाजार से, अपने हाथ से पिसवा के लेके आएंगे, पानी भर के लाते थे गलियों से। दिवाली आती थी तो सफेदी करते थे और गली में खेलते थे। मतलब वो बचपन ऐसा लगता है आज, तो बचपन अलग ही था क्या, वो सोच भी नहीं सकते आज कोई बच्चा, वो बचपन के सफेदी भी करना, गम पिसवाना, पानी भर के लाना, गायों को चराना और दुकान का भी काम करना। जैसे दुकान में कभी जरूरत होती तो वहां पहुंच जाते थे, और जैसे मान लो रसगुल्ले वहां बिकता है तो रसगुल्ले के टीन भरा जाता था, टीन बुरे पीपा पीपा जिसे बोलते हैं, पीपा पीपा बिल्कुल भर भर के देते थे, पीपा भरने जाते थे। उस टाइम मिठाई की वैल्यू होती थी, मिठाई मतलब ऐसा नहीं कि आज इतनी मिठाई पड़ी है खाने वाला नहीं है, उस टाइम तो मिठाई के लिए लोग तरसते थे। हम पीपा भरने जाते थे और 2 रसगुल्ले मुंह में डाल दिए और बाहर आके एकदम साफ, तो फादर देख लिया है रसगुल्ला रखा है तो डांट करेगा क्या। मिठाई खाने के लिए शादियों में ढूंढते जाए किसकी शादी है, शादी में जाएंगे तो राजभोग मिलेगा, बर्फी मिलेगी, मतलब मिठाई की वाकई बहुत बड़ी वैल्यू थी जी। हमारे ग्रैंड मदर दादी घर में मिठाई लेके आती थी, बचपन में याद है मिठाई लाती थी सबको, मतलब एक एक पीस देना, आधा आधा पीस देना और फिर उसको छिपा के रखना, फिर हम जाके वो कहाँ रखती थी, निकाल के उसको खाते थे, चुराते थे, फिर वो दादी ढूंढती थी वो कहाँ गई मिठाई। मतलब वो चीज देखिए मिठाई की क्या वैल्यू होती थी, बिल्कुल सही। तो उस इंडस्ट्री से निकले, निकलते निकलते हमारे अंकल सन 50 में दिल्ली आए थे, हमारे चाचा जी जो सबसे बड़े चाचा जी जो खुद हमने हमारे हाथ के कारीगर थे जी, उनका नाम बढ़िया, उनका नाम भी लेते चले, सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी, तो वो हाथ के टॉप के कारीगर थे बीकानेर में, पूरे बीकानेर में।
अपने हाथ से रसगुल्ला बनाना, अपने हाथ से भुजिया बनाना, और रईस कारीगर मतलब भुजिया बनाते हुए भी चार बार ड्रेस चेंज करते थे, एकदम सफेद कुर्ता पजामा, उनका खाने का स्टाइल, उनका पहनने का मतलब बनाने का काम करने का स्टाइल अलग ही था। हमने मतलब उस टाइम आज हाइजीनिक कहते हैं ना, उनसे हाइजीनिक सीखी थी, साफ सफाई कैसे होती है, कैसे काम करते हैं, उनको देखा। वो यहाँ आए बीकानेर छोड़ के, यहाँ आके उन्होंने मेहनत करी, अपने हाथ से खूब जानते थे, उन्होंने कभी रसगुल्ला बना के नई सड़क में बेचते थे, परात लगा के, कभी हलवा बना के बेच दिया, कभी कुछ बना के बेचा, मतलब चांदनी चौक के अंदर ही परात लगा के बेचते थे। और उनके साथ एक भाई और आ गए, धीरे धीरे उन्होंने वहां पराठे वाली गली में एक दुकान ली, दुकान ली तो वहां से अपना नमकीन वगैरह तो बीकानेर की आइटम बेचनी शुरू कर दी दुकान में, भुजिया भी हलवा भी, जो जो इनको आइटम आती थी सब बनाते थे खुद और खुद ही बेचते थे, तो हलवाई का काम होता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे मोती बाजार में एक बड़ी दुकान ली, पराठे वाली गली से मोती बाजार में ली, घर लिया, एक भाई को और बुलाया। उस टाइम दिल्ली में सिर्फ घंटे वाला, कंवर जी, दो तीन हलवाई थे, हलवाई नहीं थे। मतलब लोग देसी घी खाना जानते थे, तेल तो समझते नहीं तेल क्या होता है। हमने सबसे पहले दिल्ली में तेल की नमकीन शुरू करी, मूंगफली के तेल की। क्या तो मूंगफली के तेल की नमकीन, देसी घी खाने वालों को तेल कहाँ पसंद आएगा क्या? तो लोगों को लाना छिकाया, क्योंकि घी के अंदर खुशबू आती थी, बदबू भी आती थी, तेल रिफाइंड तेल है, खुशबू न बदबू। तो धीरे धीरे उसकी लाइफ भी थी, लोगों को समझ में आई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा। हमारे मोती बाजार में एक टाइम ऐसा था, सुबह दुकान खुलते ही लाइन लगती थी, शाम को जब दुकान बंद करते थे तो पूरा कस्टमर को हटा के बंद करते। हमारी इकलौती दुकान थी वहां चांदनी चौक मोती बाजार गली के अंदर। उसके बाद मतलब उन्होंने वहां शुरू करी, फिर हम लोग भी, मैं बीकानेर से यहाँ आ गया 10 पास करके, 60-62 पता नहीं कौन सा ईयर, 10 पास करके यहाँ आया। थोड़े दिन मैं स्कूल गया तो वहाँ हिंदी मीडियम पढ़ा या इंग्लिश मीडियम समझ में आया नहीं, तो स्कूल छुपा दिया ऐसे ही कारण से। और हमारे फादर ने हमारे को किचन में कारखाने में लगा दिया। अच्छा, कारखाने में लगा दिया तो बीकानेर में जुनून तो था काम करने का मेरे को, स्कूल में भी नेतागिरी करता था, मतलब घर में भी काम, मतलब ये सब काम हाथ से करे हुए थे, काम का जुनून था तो लगा दिया, तो उसमें भी जुनून पैदा हो गया। अब काम पे लगाया तो सबसे पहले मैंने, पहले हमारे यहाँ नमकीन बनती थी खाली नमकीन, और मिठाई में पेठा बनता था, और नमकीन की वेरायटी खूब बनती थी, भुजिया, दाल मोठ, मूंग की दाल, मिठाई में पेठा बनता था। तो पिताजी ने जब लगाया तो सबसे पहले हमारी काजू की बर्फी शुरू करवाई हमने, काजू की बर्फी, और दिल्ली में बनती नहीं थी काजू की, बादाम की, बीकानेर में बादाम की बनती थी, काजू की बर्फी शुरू करी। और काजू की बर्फी मैंने अपने हाथ से शुरू करी, हमारे फादर ने सिखाया, मैंने अपने हाथ से शुरू करी। अच्छा, तो मतलब धीरे धीरे महीने दो महीने में काजू बर्फी इतनी फेमस हो गई, पहले साल में मतलब हमें होश ही नहीं इतनी काजू बर्फी। अच्छा, 10 रुपए किलो काजू बर्फी बेची मैंने सबसे पहले, और भगोने भर के, पराते भर के, सुबह 5 बजे उठ जाना, रात को 10-11 बजे तक लगे रहना बेचना, मतलब खोए से भी काजू सस्ता, उस टाइम काजू भी सस्ता, काजू बर्फी उसी रेट में। तो दिल्ली वालों को लगा बता क्या चीज आ गई, काजू बर्फी शुरू करी। और लोग भी जब खुद काम करते थे, 10 आदमी का काम करता था मैं अकेला, मतलब क्या स्पीड थी, मशीन की तरह काम करता था खुद। उसके बाद कई लोग तैयार हो गए मेरे साथ, उस टाइम खाली मैं एक कारीगर लेके आया था बीकानेर से, बाकी सब मैंने अपने हाथ से सब तैयार करे लड़के कारीगर। काजू बर्फी शुरू करी, रसगुल्ला शुरू करे, हमारे फादर अंकल खुद कारीगर तो थे ही सब, तब हमारे को गाइड करते थे, बताते थे। तो मोती बाजार में मतलब मिठाइयाँ, नमकीन ये सब शुरू करी मोती बाजार से, फिर चांदनी चौक गए, चांदनी चौक में शुरू करा, फिर उसके बाद हम करोल बाग
जब हमने गुरुद्वारा रोड में अपना आउटलेट लिया तो उस टाइम मतलब एक अपना में हलवाई की कैटेगरी में इतना बड़ा आउटलेट लेना बहुत बड़ा काम था जी। और उस टाइम पार्लियामेंट में भी हुआ कि देखो बिकाने वाले में कितना बड़ा आउटलेट लिया है जी। उठाया था तो ठीक है वो जमाना था। तब हम लोग इसमें आ गए मिठाई करते करते अपने दुकान मैनेज करने लगे दुकान बैठने लगे दुकान में काम करने लगे चांदनी चौक शुरू करा। चांदनी चौक में भी अपने हाथ से सब नमकीन बनाना मिठाई बनाना अपने हाथ से। आज हमारे हाथ से कारीगर इतने निकले हुए पूरे वर्ल्ड में घूम रहे जी। इतने कारीगर हमने खड़े कर दिए जो पूरे वर्ल्ड में कहीं जाओ तो हमारे हाथ के कारीगर मिल जाएंगे। वहां से फिर हम करोल बाग गए। करोल बाग में फिर हमने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करा। okay. जैसे ये मैक पिज्जा हट वगैरह है हमने देखा यार पिज्जा हट एक मतलब पिज्जा लेकर के पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर लिया क्या। और कमाल की अपने पास तो इतनी सारी वैरायटी अपन कहाँ बैठे हैं यार जी। क्या हमारे एक बड़े भाई बाहर अमेरिका भी गए थे उस टाइम तो अमेरिका में वो कहानी बता रहे थे वहां काजू बर्फी ऑटोमेटिक बनती है वहां रसगुल्ला बन गया यार ऐसे कैसे बन सकती है ऑटोमेटिक तो कृपा चलाना ही पड़ेगा क्या नहीं वहां तो ऑटोमेटिक बनती है सब समझ में आ गए। हम भी फिर गए तो हमने फिर इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करा। हमने कहा इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा मैकेनाइज करना पड़ेगा। हमने अपने साथ फिर उस टाइम हमारी फरीदाबाद में एक मिल थी फैक्ट्री बेसन की फैक्ट्री ली थी उसमें भी हमने काम किया। वो बेसन में वो मंदा तेजी का था तो हमने फिर ज्यादा उस पर गौर करना नहीं वहां नमकीन बनाना शुरू कर दिया। नमकीन बनाया फिर धीरे धीरे पेप्सी आई पेप्सी को हमारे साथ करना था काम हमने उसको भी अपने साथ जोड़ा। उसमें पेप्सी आई तो इंडिया में बहुत हल्ला गुल्ला हुआ जी भाई आप इसके साथ तुम काम करे हो इसके साथ काम करोगे तो ये रजिस्टर करवा लेगी भुजिया रजिस्टर करवा लेगी और कोई कुछ नहीं होगा बहुत। मैंने कहा नहीं ये इसके साथ जुड़ने से इस इंडस्ट्री को कुछ ऑर्गेनाइज बिल्कुल बिजनेस काम मिलेगा बिल्कुल काम मिलेगा ब्रांड मिलेगा नहीं तो अपने मिठाई हलवाई लाइन धीरे धीरे खत्म हो रही है इसको थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिला। ये बताइए कि जो पैकिंग का जो कल्चर आया वो पेप्सी से आया या आप लोगों ने जैसे हल्दीराम आप लोग जैसे चलते रहे साथ साथ एक एक जमाना था जब एक लेवल पे आके आप लोगों ने इसको बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया था तो पैकिंग करने का कब से शुरू हुआ ये ट्रेंड और थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा लाइट डालिए। देखो पैकिंग करने का बीकानेर में पहले जो भुजिया जाती थी वो पेटी होती है चाय की पेटी में चाहे हल्दीराम है या और बीकानेर में जैसे घर घर की इंडस्ट्री है बीकानेर में तो घर घर की इंडस्ट्री थी हर आदमी ये बना रहा है तो उसकी चाय की पेटी में एक थैली लगा के भुजिया बेचते थे उसमें 100-200-500 ग्राम की पैकिंग नहीं होती थी क्या। तो वो यहाँ आने के बाद हम चांदनी चौक में आए तो पहले तो पॉलीथीन की जो थैली होती है नॉर्मल उसमें पैक करना शुरू करा। जब हम मोतीदार में पैक करके देते थे तो कोई पैकिंग लेने को तैयार नहीं था कि नहीं हमें तो ताजा निकाल के दो हमें ताजा दो हमें पैकिंग वाला नहीं चाहिए बासी क्या। तो उस टाइम मतलब बड़ी फिर ये धीरे धीरे लोग अब तो लोग कहते हैं पैक दो अब लू चाहिए नहीं अब लोगों को पैक चाहिए। उस टाइम लोगों को दूध चाहिए था कि ताजा है दूध पैक वाला पता नहीं बासी होगा कब बना के रखा। तो ये पैकिंग धीरे धीरे शुरू हुई ये मैं आपको एक जैसे छोटी पैकिंग की याद जैसे 5 रुपए की पैकिंग चल रही है जी। मैं इसकी कहानी बताता हूँ मैं फ्लेक्स वालों के पास बैठा था आज भी है वो योगेश्वर वगैरह उसके पास बैठा था। हम चांदनी चौक में मोती बाजार में एक एक आने की पुड़िया बांध बांध के देते तो खूब बिकती थी समझ गए ना एक जैसे आज 5 रुपए का 20 ग्राम नमकीन आता है एक आने में पुड़िया में कागज की पुड़िया कागज की पुड़िया में 20 ग्राम नमकीन डाला दिया और लाइन लग के बिकती थी लोग। तो हम उसके बाद बैठे थे मैंने यार सुबह से शाम तक पुड़िया बांधते बांधते परेशान हो जाता है इसका कोई रास्ता निकाल। तो उसने कहा क्या यार ये गुटका आता है नमकीन ही पैकेट मैंने कहा ये आइडिया तो बढ़िया है। तो उसने हमें दिखाया कि एक छोटी हमने सबसे पहले बीकानेर में शुरू करी 20 ग्राम 1 रुपए के अंदर 20 ग्राम नमकीन 25 ग्राम ये हमने शुरू करी यहाँ दिल्ली से सबसे पहले छोटी पैकिंग में। बड़ी पैकिंग पॉलीथिन में तो बीकानेर में बनती थी 1-1 किलो भुजिया की पैकिंग होती थी प्लेन थैली में। ये छोटी जो पैकिंग जो आज सबसे बड़ा मार्केट लिया है
हमने वहां से शुरू करी क्या, तो वहां से शुरू करी तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला। उस टाइम हम लोग सप्लाई भी नहीं कर पाए, हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी क्या, जिसके पास फैसिलिटी थी वो मार्केट ले गया उसका, राइट, ऑटोमेटिक मशीन, उसके बाद प्रोडक्शन फैसिलिटी थी, हाँ ऑटोमेटिक मशीन थी, हम थोड़ा कंजूसी करी, मशीन सस्ती लगाते थे, आदमी नहीं कर पाए उसको, मार्केट खड़ी कर पाए, इतना बड़ा नहीं कर पाए जो दूसरे लोग कर गए क्या। हमने उस टाइम आज से 20 साल पहले ही शुरू करा था पैकिंग, अच्छा, के बाद तो सारे लोग आ ही गए इसके अंदर, फ्लेक्स के साथ शुरू करा था, फ्लेक्स वाले आज भी पता है कि कैसे शुरू हुई पैकिंग जी, क्या सर नमकीन के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि अब मिठाई की पैकेजिंग की तरफ भी दुनिया जा रही है। आप लोगों ने पहले जो रसगुल्ले या जो दो तीन तरह की जो मिठाइयां आपकी शुरू शुरू में आपने इंट्रोड्यूस की, बट अब तो ऐसा फ्यूचर आने वाला है जो जिस तरह की कोरोना जैसी बीमारियों के बाद कि शायद लूज मिठाई ही धीरे धीरे करके कम हो जाए और लोग ब्रांडेड और पैक की तरफ ज्यादा जाए, तो आपका इसके ऊपर क्या क्या विचार है? नहीं देखो धीरे धीरे पैक से क्या होगा, पैक से आप अपनी दुकान में बेच पाओगे, पैक से आप 10 जगह और फैला पाओगे, बिल्कुल, अब लूज को नहीं फैला पाओगे, लूज को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, लूज को तो आप अपने दुकान में बढ़ाना पड़ेगा, दुकान में बेचना पड़ेगा, आप लूज को उतना ही काम करोगे। जैसे दो तरह के सिस्टम है, एक वो चलेगा जिसने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, जिसने मैकेनाइज कर लिया, स्टैंडर्डाइज कर लिया, सेंट्रलाइज कर लिया क्या, और पूरा मार्केट पे सप्लाई कर रहा है, एक तो वो सिस्टम चलेगा। एक सिस्टम वो चलेगा जो खुद टेक्नोलॉजी है, जिसके पास खुद कारीगरी है, खुद हलवाई कारीगरी हो गया ना, टेक्नोलॉजी हो गया, वो खुद अपने यहाँ बनाया, बना करके अपने काउंटर में बेचा और वो चलेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है। और धीरे धीरे जो इसमें ऑर्गेनाइज करता जाएगा, पैक करता जाएगा, अपने दुकान में भी पैक करके रखेगा, अपने आसपास जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपने आप को फैलाता जाएगा, वो बढ़ाता जाएगा। तो पैकेजिंग का तो जमाना है, पैकिंग वाला तो आगे बढ़े गई, और पैकिंग के कारण ही आज पूरे वर्ल्ड में अपनी हिंदुस्तान की मिठाइयां, नमकीन जो पहले मिलने लगे, अवेलेबिलिटी हो गई, पैकिंग का ही खेल है ये सारा। सर फिर से पीछे जाऊंगा मैं, फिर आप जब यहाँ पे आ गए, आपने सब काम संभाल लिया, तो आपकी शादी कब हुई, फिर किस तरीके से आपकी फैमिली में बेटे आपके, और किस तरीके से आपने जिम्मेदारियों को आज बांटा हुआ है, थोड़ा वहां से फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए। देखो फिर जब जैसे हम लोग आए यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, तो थोड़ा हमने फिर इसको स्टैंडर्डाइज, इसको कहा है, इसको प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। हमारे जैसे फादर के 6 भाई थे, हम जॉइंट थे, 2 कभी बीकानेर रह गए, 4 भाइयों की फैमिलियां आ गई, तो सबका सब अपने हलवाई के हिसाब से सोचते थे, जैसे सोचते हैं आज दुनिया सोचती है जी। मैंने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू करा, मैंने इसके साथ अपने साथ प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा। सबसे पहले हम पेप्सी को लेकर आए अपने साथ, पेप्सी को लाने के से हमें बहुत नॉलेज हुआ, लोगों ने तेल क्या होता है, लोग तेल बनाने वालों को पता नहीं था तेल क्या होता है, तेल की ऑक्सीडेशन क्या होती है, तेल की परोक्साइड वैल्यू क्या होती है, तेल बनाने वालों को पता नहीं था, उन्होंने बाहर से उनके टेक्नोलॉजी आए, तेल पहले जो नमकीन 1 महीने की लाइफ होती थी उसकी 6 महीने की लाइफ कवर करी क्या, उनके उस तेल को कंट्रोल करा, प्रोसेस को कंट्रोल करा। पहले हम लोग गुजिया पैक करते थे बिकाने में, तो उसमें पैकेट में उसमें सुराख मारते थे ऐसे, क्या इसकी हवा लगेगी तो गुजिया खराब नहीं होगी सही क्या। अब ये उल्टा था, अब वो कह रहे हवा लगनी नहीं चाहिए, हवा लगेगी तो खराब हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, समझ गया ना, बिल्कुल। तो उनके आने से इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, और बेनिफिट यहाँ की लोकल सबको मिला, इसका बेनिफिट सबको मिला है। बिकाने के लोग आए, मैंने कहा देखो कोई क्या रजिस्टर करवाएगा यार, कोई भुजिया रजिस्टर करा लेगा तो तुम रसगुल्ला रजिस्टर करा लो, और सब बैठ गए ब्रांड का खाओ, ऐसा थोड़ी होता है, नाम रजिस्टर्ड होता है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी रजिस्टर्ड होता है, इसका बेनिफिट मिला है। और बेनिफिट मिलने से टेक्नोलॉजी मिली है, आज जैसे नरुला था, तो नरुला में जो काम किया हुआ है, आज जितने भी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो वहां से लोग निकले हुए, वहां से ट्रेनिंग करके निकले हुए, उन्होंने पूरे इंडिया में फैला दिया रेस्टोरेंट की चैन, फास्ट फूड की चैन। ऐसे ही जो पेप्सी में और में जो लोग निकले हुए हैं, वो आज हमारे यहाँ या सब जगह है, वही लोग काम कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव करा है, प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट, उसे मतलब एक इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बल मिला है, इंडस्ट्री को बल मिला है।
क्या उससे सीख के हमने उसकी सेल लाइफ बढ़ाई। उसकी सेल बढ़नी नहीं बढ़नी, बढ़नी तो लोकल की बढ़ेगी, उसकी क्यों बढ़ेगी, तो सब बेनिफिट मिला है। और उसकी सेल लाइफ 6 महीने की होगी, जो 1 महीने की लाइफ थी उसको 6 महीने की लाइफ हो गई। प्रोडक्ट क्वालिटी भी बढ़ गई, बढ़िया प्रोडक्ट क्वालिटी भी बढ़ गई। प्रोडक्ट कैसे, उसका रॉ मटेरियल कैसे चेक करे, उसकी हाइजीन कैसे चेक करे, फिनिश गुड्स कैसे चेक करे, प्रोसेस पता लग गया सब। क्या पहले हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल आदमी आना नहीं चाहता था, प्रोफेशनल पढ़ा लिखा हलवाई की दुकान में किसी, चाहे इंडिया में कहीं भी हो, कोई घुस नहीं जाए क्या करेंगे, हलवाई के पास जाए क्या करें, फोन भट्टी के आगे खड़ा होता। क्या आज सारे प्रोफेशनल आदमी हमारे आने को तैयार बैठे, क्योंकि यहाँ सेफ्टी है, उनको पता है इनके यहाँ लग गया तो इनके यहाँ बिजनेस है, काम यही मिलेगा। आज सारे लगे हुए हैं यहाँ प्रोफेशनल आदमी, और सब लोग कर रहे हैं। मैंने देखा पूरे इंडिया में ये मीटिंग देख रहा हूँ, आपकी मीटिंग में देखा है, जैसे अहमदाबाद में वो बिजू भाई एक एक पेड़ा बेच रहे हैं, और देखा है बहुत बढ़िया चीज है, उसकी सेल्फ लाइफ डेवलप करी है। आपके हैदराबाद वाले लो, मद्रास वाले लो, मतलब पूरे इंडिया के लोग इसमें जुड़े हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। अभी बहुत बड़ा मार्केट, अभी तो कुछ करा ही नहीं है अपन लोगों ने, अभी तो इंडिया खाली है, पूरा वर्ल्ड खाली है, वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड। अभी अपन देसी घी खाने वाले, दही दूध पीने वाले लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान लीवर ने इंडिया में आकर के अपने को देसी घी हटा के डालना सिखा दिया, वनस्पति खाना सिखा दिया, और दूध दही घी खाने वालों को चाय पिलाना सिखा दिया, मार्केटिंग करके सिखा दिया ना। बिल्कुल सही। अब अपन नहीं काम करेंगे तो बर्गर पिज्जा सिखा देंगे, तो अपन इनको क्यों नहीं सिखा सकते मिठाई खाना, बिल्कुल, अपन इनको डोसा खाना क्यों नहीं सिखा सकते, भटूरा खिलाना क्यों नहीं सिखा सकते। अभी तो मार्केट खाली पड़ा है पूरी दुनिया में, अभी तो जो बाहर भी है तो इंडियन लोग है कस्टमर। बिल्कुल, अपना टारगेट होना चाहिए, जिस कंट्री में जाओ उस कंट्री के लोगों को टारगेट करो, खिलाओ। भाई अब गोरों को क्यों नहीं टारगेट कर सकते अपन, बिल्कुल, अपन अरब में जाके मिडल ईस्ट को, मिडल जो लोग है अरबी लोगों को क्यों नहीं टारगेट कर सकते। जैसे हम पंकज रहता है हमारा जी दुबई में, दुबई तो मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, भैया देख इंडियन ने तो खाना ही है, इंडियन तो कहीं नहीं जाएगा, और यहाँ आके तू इंडियन को खिला रहा है, कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहा। जब तू वहां के लोकल लोगों को खिलाएगा और लोकल तेरे मुरीद हो जाएंगे, उस दिन समझेंगे तूने कुछ काम किया। बिल्कुल, बहुत सही बात है यार। क्या अभी मार्केट तो वहां से आएगी ना, बिल्कुल, लोकल अरबी खाना शुरू कर देंगे, लोकल अरबी खाना शुरू कर देंगे, फिर मैकडोनल्ड की तरह हमारे भी ब्रांचेस खुलेगी। आज बर्गर है, कहीं भी मिडिल ईस्ट में जाओ, चाहे यूरोप में जाओ, चाहे अमरीका इंडिया में आओ, चाहे एशिया में आओ, और सब बर्गर खाने लग जाते हैं, पिज्जा बर्गर, हर आदमी को पता है। मिठाई क्यों नहीं खा सकते भाई, मिठाई में क्या बुराई है, छोला भटूरा क्यों नहीं खा सकता, डोसा क्यों नहीं खा सकता, कचौड़ी, समोसा, आज समोसा का ब्रांड हो गया, समोसा लोग खाने लग गए, नमकीन भी आज जैसे मेन स्ट्रीम में जाने लग गई कई जगह, तो लोग धीरे धीरे खा रहे हैं, तो अभी तो बहुत बाकी है, अभी मार्केट की कमी नहीं है, मार्केट में तो काम करने वाला चीज बहुत है मार्केट। और सर ये बताइए, जैसे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्योंकि हमारे इंडियन मसालों पे और हमारे इंडियन स्वाद के ऊपर हैं, वो आप कोई भटूरा हो या छोले हो या इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये अगर मान लीजिए अमेरिका में बेच रहे हैं या यूरोप में बेच रहे हैं तो यूरोप के टेस्ट के हिसाब से इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर लोग इस तरीके से थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज्यादा हम दुनिया भर में नॉर्थ अफ्रीका में, गल्फ में या और अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स में, साउथ ईस्ट एशिया में हम और ज्यादा फैल सकते हैं, आपका क्या व्यू है उसके ऊपर? क्योंकि आप काफी सक्सेसफुली दुबई में मैंने देखा बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हर साल आपके कई कई पार्लर खुल रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। देखो इसमें पहले तो हम सोच रहे थे भाई हर जगह कारीगर भेजना पड़ेगा, और कारीगर का वीजा लगता नहीं है आजकल, बड़ी मुश्किल है, नहीं जो डेवलप कंट्रियों में आदमी का वीजा लगना बड़ा मुश्किल है। क्या अभी तो जो सारा सिस्टम हो गया सेंट्रलाइज, जहाँ किचन हो गई, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन हो गया, तो यहाँ से सेमी फिनिश करके भेजो और वहां फिनिश करो, वहां ट्रेनिंग दो, वहां के जो मैं लोकल आदमी को, जैसे मैकडोनल्ड कर रहा है इंडिया में आ रहा है, तो इंडियन लोगों को हायर कर रहा है और इंडियन लोगों को ट्रेनिंग कर रहा है और इंडियन को खिला रहा है। आपको वही काम करना पड़ेगा, आपको अमरीका में जाकर के अपने आपको इतना ऑर्गेनाइज कर लो, अमेरिका के लोगों को हायर करो, उन्हीं को ट्रेनिंग दो, उन्हीं के लोगों को खिलाओ, आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। आप यहां से ले जा के नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि वहां वीजा नहीं लगेगा, तो आप वहीं रह जाओगे, एक दो दुकानों में रह जाओगे,
आपको अपना ट्रेनिंग सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा। आपको अभी अपने इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की बहुत बड़ी कमी है। हम आदमी तो लेके आ रहे हैं और लोग भी लेके आ रहे हैं, बीटेक के लिए है, एमटेक के लिए है और जो लिए है, लेकिन उनको इस इंडस्ट्री का पता नहीं है। अपने को जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर बनता है तो 2 साल की इसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, चीर फाड़ की ट्रेनिंग देते हैं, इंजीनियर की इंजीनियरिंग ट्रेनिंग देते हैं। अपने को एक बात हुई भी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन चाहे सरकार के साथ बनाओ चाहे प्राइवेट लोगों के साथ बनाओ चाहे अपने साथ बनाओ, उसको ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जिससे इस मिठाई के लोग तैयार हो, मिठाई बनाने वाले, मिठाई मैनेजमेंट करने वाले हो तैयार। नहीं तो अभी दिक्कत क्या है, रोज भाई पीढ़ी से बैठे हुए हैं, हम लोग भी 3-4 पीढ़ी से बैठे हुए हैं। मैक्सिमम हलवाई की 90% ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हेरिटेज है, एक पीढ़ी दो पीढ़ी जो अपने हाथ से काम किया वो बैठे। बिल्कुल, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि आप 4 बार के आदमी जोड़ करके, मैं नया आदमी हूँ, मैं 8 से 4 कारीगर जोड़ के, 4 प्रोफेशनल लोग जोड़ करके इस टाइप का काम कर लूंगा। आज अभी भी ऐसा काम नहीं है, हो सकता है ऐसा जी नहीं, अब इतने लोगों से मिला, ऐसा कोई प्रोफेशनल आदमी मिला तो कारीगर को लेके काम कर सके जी, वो इसलिए नहीं काम कर सकते जो कर रहे हैं। ये बात, मार्केट तो खाली है ना, अभी पूरा खाली है, पूरा वर्ल्ड खाली है, इंडिया खाली है, पैकेट का तो मार्केट है ही है। अब लूज मिठाई ले जाके एक मॉडर्न स्टोर में तो लूज मिठाई नहीं बेच सकते। बिल्कुल, पैकेज तो कहीं भी लगा सकते हो, किराने की दुकान में भी लगा सकते हो, मॉडर्न ट्रेड में भी लगा सकते हो, किसी स्टोर में भी रख सकते हो, अपने स्टोर में रख सकते हो। पैकेज का तो बेनिफिट तो यही है ना जी, खाली अपने एक दुकान के लिए तो पैकेज करने से उसका वाइबिलिटी भी नहीं आएगी। तो पैकेज का तो मार्केट है, पैकेज को ये होम डिलीवरी भी कर सकते हो, लूज को होम डिलीवरी करना मुश्किल है। तो पैकेज जो करेंगे, जो मैकेनाइज करेंगे, साइंटिफिक करेंगे, सेल्फ लाइफ करेंगे, तो मार्केट तो निश्चित वो बढ़ रही है। सर जैसे QSRs हैं आपके बीकानेर वाला, जो आपके आउटलेट्स हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स और कई एक्सपीरियंसेस लोग लेते हैं, अब तो मैंने आपने मुझे लास्ट टाइम दिखाया था आपने फाइन डाइन और बड़े अच्छे अच्छे उसके अंदर एडिशंस किए हुए हैं, मेरे ख्याल से आप अपने आप में एक इकलौती कंपनी होंगे जिसके इतने शहरों में एक ही ब्रांड से आउटलेट्स काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए कि अगर लोग इस तरह से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट जो अपने बिजनेस से रिलेटेड है ये कितना कारगर है, और ना सिर्फ भारत में बट विदेशों में भी। ये चैलेंज है, अभी बहुत बड़ा चैलेंज है, इतना इजी नहीं है ये। अभी ये 2 तरह का चैलेंज है, एक तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट और एक सेल्फ मैनेजमेंट। क्या प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा है कि आप मल्टीपल ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट में मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी लाइन में, क्योंकि प्रोडक्ट की वैरायटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करना, ये जो प्रोफेशनल अभी लोग नहीं है इसके अंदर, न तैयार नहीं है, उनको तैयार करना सबसे बड़ा चैलेंज है। सेल्फ मैनेजमेंट में आप एक मालिक है तो एक दुकान मैनेज कर सकते हैं, 2 कर लोगे ज्यादा क्या, तो इसीलिए वो मल्टीपल करना है तो प्रोफेशनल सिस्टम में जाना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, उन लड़कों को उनको सिखाना पड़ेगा, उनको हलवाई बनाना पड़ेगा, चाहे आप पैक करके दो चाहे लूज दो, लेकिन उसको प्रोडक्ट का तो पता होना चाहिए ना, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कौन सा रॉ मटेरियल से बनता है, कितनी सेल्फ लाइफ है, किसी को कुछ पता ही नहीं है अभी। सही कह रहे हैं सर। अब ये बताइए कि इस उम्र के इस पड़ाव पे आने के बाद आज आपने अपने बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आपके बेटे, आपके ब्रदर्स सब अलग अलग जगह पे पूरी तरह से इसको संभाल रहे हैं, अब आपका आप कहते हैं कि मैंने वृंदावन में घर भी ले लिया है और मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, अब किस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं और बिजनेस से हटके क्या क्या एक्टिविटीज आजकल कर पा रहे हैं? देखो मैं तो अभी घर में कभी रसगुल्ले बनाता हूँ, खुद सबको खिलाता हूँ। हाँ आपको तो मैं फोटो भेज दूंगा, तो अगली बार आपको तो खिलाने पड़ेंगे आपके हाथ। हाँ खिला देंगे, घर में अपने हाथ से बना के खिलाता हूँ, आप बर्फी बनवा लो, मेरे सारी मिठाई बना लो, सब आती है अपने हाथ से, अपने हाथ से सब काम किया है मैंने, आपको बता ना गाय तक चराई है मैंने अपने हाथ से, मतलब सफेदी करी है, गेहूं तो सारे काम कर रहे हैं, तो मेरे को कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई शौक समाज नहीं है कि इतना है, ये चाहिए वो चाहिए, मेरे को ऐसा भी लोभ लालच नहीं है कहीं, मेरा तो एक ही टारगेट है जिसका हिस्सा है उसको देना चाहिए, साफ सुथरा काम करना चाहिए, सरकार का हिस्सा है सरकार को दो, लेबर का हिस्सा है लेबर को दो, कस्टमर का हिस्सा है कस्टमर को दो, कस्टमर को बढ़िया माल देना चाहिए, बेस्ट देना चाहिए,
हमारे पूरे परिवार का है कि कस्टमर को अगर घी कह रहे तो घी जाना चाहिए, केसर कह रहे तो केसर जाना चाहिए, बादाम इस्तेमाल जो कह रहे हैं कस्टमर को जाना चाहिए, उसका वो स्वाद आना चाहिए। बिल्कुल, हमारा परिवार का शुरू से ही रहा है क्या, क्या जिसका जो हिस्सा है जिससे वो उसके पास जाना चाहिए। बिल्कुल। और सर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं घर में अभी? अभी एक बहुत बड़ा मैं काम कर रहा हूँ जो अब आपको बताता हूँ। वैसे तो कोई ऐसी सीक्रेट, मैं अपनी लाइफ सीक्रेट नहीं है, बिल्कुल ओपन लाइफ है हमारी। हम देखो हमारी जो भाइयों की फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली आपको ना तो इस इंडस्ट्री मिलेगी ना किसी मिलेगी, आज भी ज्वाइंट फैमिली है। कितने भाई हैं आपके और कितने? फादर के 6 भाई है जी मेरे, हम 6 भाई है, हम 6 भाई है, हमारे फादर के 6 भाई है, हमारे लड़के हैं आपने देखा मनीष पंकज ऐसे सबके लड़के हैं। बिल्कुल। तो 35-40 आदमियों की फैमिली है, जॉइंट बड़ी दुकान में एक बैठा है। तो अभी सबसे जो बड़ा चैलेंज है जिसका मेरा टारगेट है भाई मैं इसको करके था क्या, अभी हमारा सबका गल्ला एक ही है और एक ही खर्चा है, कोई कहीं जाओ किसी को किसी तरह से कोई मना नहीं है। अभी मैं सिर्फ फैमिली को प्रोफेशनलाइज करने में लगा हूँ। ओके। या फैमिली को ऑर्गेनाइज करना प्रोफेशनलाइज करना ये हमारा टारगेट है, इससे ये इंडस्ट्री चलती जाए, कोई काम करना चाहे करे, नहीं करना चाहे नहीं करे क्या। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चीज होगा अगर ये काम हो गया था जी। तो जैसे मनीष प्रोफेशनलाइज में क्या है, जैसे मनीष भी काम करेगा तो मनीष में और मैनेजर में कोई फर्क नहीं होगा। मनीष भी इंटरव्यू देगा एचआर के अंदर, वेरी गुड, जिसको काम करना है एज ए प्रोफेशनल की तरह काम करेगा। बिल्कुल क्या, तो मेरा टारगेट है इस फैमिली को प्रोफेशनलाइज बना दूं, दो चीज शेयर होल्डिंग अलग हो जाएगी और मैनेजमेंट अलग हो जाएगा, अलग समझ गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आइडिया है। क्या तो ये अभी टारगेट है, इसको करना है, इसको करने में लगे हुए हैं, कैसे होगा आई डोंट नो, लेकिन लोग जोड़ रहे हैं इसको, अच्छे टीमों को लिया है बाहर से भी। सही बात है, एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे धीरे धीरे, तो बच्चे कर रहे हैं जी। तो उसमें क्या है कि फिर लोग काम करेंगे, कंपनियां काम करेगी, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, लोग काम करें, फिर कंपनी काम करेगी, बोर्ड काम करेगा, तो दुनिया में हो रहा है क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बहुत बढ़िया है फिरोज भाई, आपने सब ये सब ऑर्गेनाइज करा है, इकट्ठा करा है, बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगता है फेडरेशन? तो देखो एक ही संदेश है, सब उठे, सब बढ़े, बहुत बड़ा मार्केट है, हम तो जाते हैं जो हमारे लोगों से देखते हैं मिलते हैं तो एक्टिव है, तो अपने आप को ठीक रखे, थोड़ा जितना हो सके ऑर्गेनाइज करे और थोड़ा अपने बैकएंड को ठीक करे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर फेडरेशन कैसा काम कर रही है, क्योंकि अभी 3-4 साल में आप लोगों ने काफी गाइड करा है, मैंने भी पूरी तरह से सबको जोड़ने की कोशिश की है, तो आपको लगता है कि हम मिठाई वाले एकजुट होके एक बहुत बड़ी पावर बन जाएंगे आगे आने वाले टाइम में? नहीं, फेडरेशन तो पहले तो मिठाई वाले कहाँ मिलते थे, आपस में मिलते ही नहीं थे, किसी से कोई बात भी नहीं होती थी जी, के लोग थे जैसे बॉम्बे से 2-3 लोग थे हमारे, प्रदीप जी और ये 3-4 लोग थे जी, अजीत भाई से थे, चितले भाई और ये मतलब गिनती के लोग थे, दिल्ली से भी गिनती के लोग थे इंडिया लेवल पे। राइट। तो हम लोगों ने इसमें कई काम भी करे थे, एक्साइज के 2-3 बार काम करे थे, कलर पे भी काम करे थे और सक्सेस भी हुए थे जी। क्या, लेकिन लोग जुड़ते नहीं थे, लेकिन आप जो आपके आने से जो फेडरेशन का रूप चेंज हुआ है, आपने साल में मीटिंग जो करनी शुरू कर दी, एग्जीबिशन लगानी शुरू कर दी, पैसे सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, पहले इंडस्ट्री वाले पैसा देने को तैयार नहीं थे, उसका जुगाड़ आपने कर लिया। देखो सबसे बड़ा जुगाड़ ही आपने कर लिया, आपने इंडस्ट्री वालों से किसी से पैसा नहीं मांगा जी, क्या आपने उनके वेंडरों को इकट्ठा कर लिया, तो वेंडरों का भी काम हो गया, इंडस्ट्री का भी काम हो गया। बिल्कुल क्या, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी, लोग भी एक दूसरे से मिलना तो चाहते ही है, उसमें क्या है, तो बहुत बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और इस इंडस्ट्री सबसे बड़ा है ये, इसका एसोसिएशन छोटा एसोसिएशन नहीं है, फिक्की CII या ऑल इंडिया फूड वाले तो तरसते हैं, मेरे को बहुत बार कह चुके हैं आप अपने इंडस्ट्री वालों को हमारे साथ जोड़ो, लेकिन करे कौन, बात करने वाला नहीं है ना। बिल्कुल, एनआर करने में बहुत फर्क है। राइट। आपने इसको प्रैक्टिकल रूप दिया है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत लोग जुड़े हैं, अच्छे मन से जुड़े हुए आपके। बिल्कुल।
थैंक यू सर, आज आपका ये बहुत अच्छा हमें आपसे बात करना लगा और हमें काफी नई बातें सीखने को मिली। कुछ पहलू ऐसे मालूम पड़े जैसे आपने बताया कि घर के आप मतलब एकदम हर काम को करते हुए और बड़े और इस तरीके से आपकी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो ये बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि सबको भी सुन के और ये सब जब ये वीडियो जाएगा सब तक तो उनको वही आनंद आएगा और वो लोग उस चीज को एंजॉय कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि इस तरह के इंटरेक्शन हम और करते रहेंगे। जब भी कभी आपको हमें हमसे बात करने का या कुछ हमसे शेयर करने का मौका मिले तो आप प्लीज हमें जरूर याद कीजिए और हम भी आपको टच करते रहेंगे ताकि आपसे सीखने का मौका मिलता रहे। धन्यवाद बहुत बहुत इस शो में आने के लिए और हमें थैंक यू बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।